गगहा थाना क्षेत्र के अहिरोली गांव में सोमवार की देर रात एक मनबर ने तमंचे से एक युवती को गोली मार दी। युवती के हाथ में गोली लगने से वह घायल हो गई। गोली की आवाज से गांव में अफरा तफरी मच गई। कुछ लोगों ने आरोपी को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हाथ में तमंचा और नशे में होने की वजह से कोई पास नहीं गया। बाद में पुलिस ने घायल युवती को अस्पताल में भर्ती कराया और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि गोली सुदर्शन पांडे की 28 वर्षीय बेटी सत्यावती के हाथ में लगी है। बताया जा रहा है कि गाँव का मनभर सत्यदेव यादव शराब पीकर गांव में आया और किसी बात पर जयप्रकाश यादव से गाली गलौज करने लगा। बीच बचाव में सुदर्शन भी आए। पिता के विवाद होता देख बेटी छत पे से देखने लगी। इसी दौरान उसने तमंचे से फायर किया और एक गोली मिस हो गई। फिर उसने तमंचे को लोड कर फायर किया और गोली छत पर खड़ी सत्यावती को जा लगी। हाथ में गोली लगते ही वह चीख पड़ी। उधर गोली चलने की आवाज सुनकर गांव वाले भी आ गए और अफरा तफरी का माहौल हो गया। इस संबंध में SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शराब के नशे में धुत युवक द्वारा अवैध असलहे से फायरिंग की गई थी, जिससे कि एक लड़की घायल हो गई है। स्थानीय थाने में उक्त युवक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर पुलिस उसकी तलाश में जुट गई है। जल्दी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SP साउथ विपुल कुमार श्रीवास्तव ने कहा, गगहा थाना क्षेत्र में कल रात में करीब 9 बजे के आसपास वो दो व्यक्ति थे, जो एक शांतदेव यादव और एक और यादव थे, दोनों शराब पी के आपस में लड़ रहे थे। उसी में एक शांतदेव यादव ने गोली फायरिंग किया, जिससे वहाँ पे एक तमाशबीन जो पब्लिक इकट्ठा थी उसमें एक महिला थी जो अपने मायके आई हुई थी, उसे उंगली ये जो हाथ पे है उस पर गोली लगी थी। उसके तत्काल हॉस्पिटल ले जाया गया और उसमें कोई बहुत बात नहीं थी, थोड़ी सी गोली टच करते हुए निकल गई थी। सर, किस बात पर विवाद हुआ था, और उसके अवैध असलाह से या लाइसेंस के तले से फायरिंग हुई? वो अवैध असलाह था, उसके पास कट्टा था, 312 बोर का कट्टा था, जिससे उसे चोट लगी है जो फायरिंग किया था, और शराब पी के आपस में उलझे हुए थे ये व्यक्ति। सर, गिरफ्तारी हो गई है? हाँ, गिरफ्तारी के लिए प्रयास किया जा रहा है, गिरफ्तारी शीघ्र हो जाएगी।